संभल के असमोली में जनसभा को संबोधित करने पहुंचे AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी को विरोध का सामना करना पड़ गया। दरअसल जब उनका काफिला असमोली इलाके में सभा स्थल की तरफ जा रहा था, वहां मौजूद कई दर्जन लोगों ने ओवैसी हाय हाय के नारे लगाने शुरू कर दिए। इसमें से कुछ लोग ओवैसी वापस जाओ के नारे भी लगा रहे थे, तो अखिलेश यादव जिंदाबाद के नारे भी लग रहे थे। इससे साफ जाहिर हो रहा था कि ये सपा के कार्यकर्ता थे जो संभल की धरती पर AIMIM चीफ को सहन करने को तैयार नहीं थे। इन कार्यकर्ताओं के हाथों में स्लोगन लिखे पोस्टर भी नजर आ रहे थे। काफी देर से चल रहे हंगामे की सूचना पर ओवैसी की सुरक्षा में लगी पुलिस ने इन प्रदर्शनकारियों पर बल प्रयोग करते हुए इन्हें दूर तक दौड़ा दिया। पुलिस के हल्के बल प्रयोग से ही भीड़ में अफरा तफरी मच गई, जिसे जहां भागने की जगह मिली वो अपनी जान बचाने के लिए भाग लिया। भीड़ को हटाने के लिए ओवैसी के काफिले को पुलिस ने सुरक्षित गंतव्य सभा स्थल तक पहुंचाया। यहां तो सब समाजवादी के लोग हैं जी, समाजवादी के लड़ांगे हम तो, समाजवादी के हैं हम तो। असमोली क्षेत्र में समाजवादी का गढ़ है, समाजवादी का। उसके बावजूद भी यहां पे आपके क्षेत्र असमोली में जी असदुद्दीन ओवैसी आए हैं, बहुत बड़ी जनसभा कर रहे हैं। ये तो वैसे बीजेपी वाले आए हैं सब लोग, ये क्या है, ये कुछ नहीं है। जो पैसे ले लिए अपने बीजेपी से मिले हुए हैं सब लोग, ये हम तो समाजवादी रहते हैं। ये लोग कौन? ये ओवैसी साहब। किससे मिले हुए हैं? ये इस बीजेपी वालों से। नहीं, वो तो सरकार के खिलाफ विवाद बोलते हैं। नहीं नहीं नहीं, समाजवादी है। देखो समाजवादी इंशाल्लाह भला अगले सीट निकलेगी इंशाल्लाह। क्या नाम है आपका? मोहम्मद यूसुफ नाम है मेरा। अब वो आए हैं तो यहाँ के वोटरों पर कितना इफेक्ट पड़ेगा? कुछ फर्क ना पड़ रही है वोटों पर, कुछ फर्क ना पड़ रहा है वोटों पर। मुस्लिम बहुत क्षेत्र है यहाँ। हाँ, तो कितने भी मुस्लिम रहता है वोट अखिलेश भैया को जाएंगे सब जी। किस तरह से देखते हैं, जिस तरह से वो सरकार जो मौजूदा है उसके खिलाफ विवाद बोलते हैं, किस तरह से देखते हैं आप? वो विवादित बयान देते हैं भाई साहब, विवादित बयान देते हैं। यहाँ पे तो अखिलेश की सरकार आनी है यूपी के अंदर, यहाँ पे ये लोग एजेंट हैं बीजेपी के, ये इनसे कोई हमारा ताल्लुक नहीं इस चीज़ से, और यहाँ इनसे वोट कटने वाला नहीं है। तमाशगीर है जो लोग यहाँ पे आए हुए हैं, लेकिन सब लोग यहाँ पे समाजवादी की सरकार बनेगी इंशाल्लाह ताला, और समाजवादी हैं हम लोग। क्या नाम है आपका? जहांगीर हसन। आप यहाँ उनको सुनने आए हैं? नहीं, हम सुनने नहीं आए, यहाँ लोग यहाँ तमाशगीर आते हैं, यहाँ पे हम लोग यहाँ के बासिंदे हैं, इसी गांव के बासिंदे हैं। जैसे ओवैसी कहते हैं हम रहनुमा हैं मुसलमानों के, इसमें क्या कहेंगे आप? नहीं नहीं, कोई रहनुमा नहीं है, वो बीजेपी के एजेंट है भाई, कोई रहनुमा नहीं है। अगर रहनुमा ना हो तो ठीक है, तो आप वहाँ पे सरकार क्यों नहीं बनाई जाके रहने वाले? आप एजेंट कैसे कह सकते हो आप उनको? अब ये कह सकते हैं, यहाँ पे आप बताइए बीजेपी का डिवाइड कर रहे हैं, डिवाइड किसके लिए, फायदा किसको जा रहा है इस चीज़ से? बीजेपी को फायदा जाता है, अगर मुस्लिम डिवाइड होता तो बीजेपी को फायदा जाता ना? जाता नहीं, इसलिए हम लोग 20% तो इसका क्या मतलब है? हम लोग समाजवादी लोग हैं यहाँ के लोग, उसको वोट करेंगे समाजवादी को वोट करेंगे। और सब अगेश भैया आने वाले हैं सलाह बीजेपी में।